जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुल्तानपुर से, जहां पर सुल्तानपुर में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ किया स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर पूर्णम चौधरी ने। रायसेन जिले के सुल्तानपुर में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ करने आए स्कूल शिक्षा मंत्री पूर्णम चौधरी ने बच्चों के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के मॉडलों का निरीक्षण किया और उनके बारे में बच्चों से रूबरू होकर उनसे जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को नए विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है और यही नए विचार आगे चलकर आविष्कार को जन्म देते हैं। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और उनका भविष्य उज्जवल हो इसके लिए उन्हें प्रतिभा को प्रदर्शित करने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश के विकास के लिए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना जरूरी है, इसलिए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उन्हें तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने जनमानस से भी अपील की है कि वह समय समय पर स्कूल में जाकर निरीक्षण करें, व्यवस्थाएं देखें और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उनके पास यदि कोई सुझाव हो तो वो शिक्षकों को अवगत जरूर करें। बढ़िया है, एक मोटिवेशन बच्चों को मिलता है, मन में जो जिज्ञासाएँ होती हैं, साइंस के लिए सोच होती है, नए नए बच्चों को विचार होते हैं वो व्यक्त होते हैं और एक अच्छा कदम। सर, शिक्षा के उत्थान के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? शिक्षा के उत्थान के लिए मैंने अभी आपको बताया अनेक हमने निर्णय लिए हैं और जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में आने वाले समय में सुधार आपको दिखाई देगा। सर, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लाख दावे किए जा रहे हैं लेकिन स्तर बढ़ता नहीं दिख रहा। मैंने आपको क्षेत्र पहले ही बताया कि अब स्तर एकदम नहीं बदल जाता है, उसमें समय लगता है। सर, और अब जो हमने इनिशिएशन लिए हैं आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको उसके दिखाई देंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार देंगे। सर, सुल्तानपुर क्षेत्र में ऐसे स्कूल हैं जो टीन शेड के नीचे लग रहे हैं, मंडवे पे लग रहे हैं, वहाँ बिल्डिंगों तक की व्यवस्था नहीं है। कहीं नीम के पेड़ के नीचे जहाँ भी लग रहा है वहाँ आप बताना, तो वहाँ अपन बिल्डिंग।